मंच पर इसलिए हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि अभी जो लड़ाई चल रही है वो भाजपा बनाम एनसीपी या भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं, ये भाजपा बनाम भारत की लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई इस बात की है कि इस मुल्क का संविधान और लोकतंत्र बचेगा कि नहीं। ये लड़ाई इस बात की है कि मुल्क किसी गोलरकर, हेगड़ेवार या सावरकर के विचारों पर बनेगा या फुले, शाहू महाराज और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बनेगा। ये लड़ाई इस बात की है कि मुल्क मनुस्मृति के मूल्यों पर चलेगा कि संविधान के मूल्यों पर चलेगा। ये लड़ाई इस बात को तय करने की है कि जब आज से 25-50 साल के बाद हम जब बूढ़े हो गए और हमको आने वाली पीढ़ी पूछेगी, जब भारत के संविधान, यहां के भाईचारे और लोकतंत्र के ऊपर खतरा था, तब आप कहां थे, तब हमारा जमीर बुलंद स्वर में आवाज देगा और कहेगा कि हमारा नाम और हमारा काम आग लगाने वालों में नहीं, आग को बुझाने वालों में था। आज साथियों, मोदी जी यहां पर आए, आते ही जहर उगलना चालू किया। उनका यही स्टाइल है। 1925 से आरएसएस ने जो नफरत और हिंसा की खेती की है, उनके नुमाइंदे के मुंह से जहर के अलावा कुछ निकलेगा नहीं। आते ही उन्होंने कहा कि किसी में हिम्मत है तो 370 के खिलाफ ये कर दे, वो कर दे। अरे भाई, 370 के मामले में ज्यादातर लोग या तो खामोश रहे या तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने आपका समर्थन किया। आपको जबरन यह मुद्दा महाराष्ट्र में आकर उछालना क्यों पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि आप उस सच्चाई और हकीकत से भागना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की इस धरती पर पिछले 5 साल के दौरान 16,000 किसानों ने आत्महत्या किया। इस सच्चाई से आप भागना चाहते हैं। आप इस हकीकत से भागना चाहते हैं कि एक तरफ महाराष्ट्र में बाढ़ आई है, दूसरी तरफ सूखा है। ना आप उनके पास गए जो बाढ़ के पीड़ित है, ना आप उनके पास से गए जो सूखा के पीड़ित है। प्रियंका चोपड़ा की शादी में जाने का आपके पास वक्त है, लेकिन जिस किसान ने सुसाइड किया उसकी विधवा के आंसू पोंछने का आपके पास वक्त नहीं। आज छोटे बच्चे को संभालने के लिए, हम आज पढ़ रहे थे सुबह कहीं पे, किसी आदमी को रखा गया हो और वो आदमी उस बच्चे के हिस्से की सारी मलाई खा जाए, तो जब बच्चे के मां बाप आए और बच्चा रोना शुरू ना करे उसके पहले, वो आदमी क्या करेगा? वो झुनझुना बजाएगा। और इसीलिए 5 साल से लगातार हम लोग देख रहे हैं, जो गुजरात में हम 20 साल देखते हुए, कि जब भी असली मुद्दे की बात आएगी तब ये दुर्योधन और दुशासन की जोड़ी हाथ खड़े करके भाग जाएगी। जब भी असली बात आएगी कि बताइए मोदी जी कि सीना 56 इंच का है, तो ये बात का जवाब दीजिए कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? आखिर महंगाई 45 साल का रिकॉर्ड क्यों तोड़ दिए? उनके पास कोई जवाब नहीं। आज सवाल यह है कि आप कुछ दिन पहले मैन वर्सेस वाइल्ड का शो किए थे और शो के दौरान आप कहे थे कि हमको हमारी माने या दादी माने ऐसे संस्कार दिए हैं कि पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए। और पेड़ को काटने की बात तो छोड़ो, मोदी जी कह रहे थे उसकी कटे हुए पेड़ की लकड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सवाल यह होता है कि यदि यह संस्कार मोदी जी की दादी मोदी को दिए, तो फडणवीस जी की दादी फडणवीस जी को क्यों नहीं दिए? आर्य कॉलोनी के अंदर 2000 पेड़ों को क्यों काटा गया? इस बात का उनको पूरे बंबई में जवाब देना पड़ेगा। आज सवाल यह है कि लोकल ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं और आप चले बुलेट ट्रेन बनाने के लिए। आज हमारे मंच पर वो दो साथी नहीं, लेकिन समीर वर्तक
और शशि सोनवणे नाम के दो साथी, जिनके प्रयासों के चलते ये बुलेट ट्रेन का पूरा नौटंकी रुका हुआ है, हमारा समर्थन करने की इस जनसभा में मौजूद है, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। दोनों साथियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंच पर आए, शशि सोनवणे साहब और समीर वर्तक साहब। तो साथियों, मुद्दा यह है कि आपकी लोकल ट्रेन का ठिकाना नहीं। 15, 20, 25 साल से यह डिमांड है कि वीटी से लेकर थाने तक का रेलवे बने, अब बुलेट ट्रेन बनाने चले हो। इस मुल्क की 60-70 करोड़ आबादी रोज का 20 रुपये में गुजारा करती है। एक बुलेट ट्रेन का जाने आने का खर्चा होगा 6,500 रुपये। अरे इतने में कोई फ्लाइट क्यों न ले, तुम्हारी इस खोखले ट्रेन में क्यों बैठेगा। सवाल यह है कि बुलेट ट्रेन के पीछे आपने 90,000 करोड़ का बजट अलॉट किया है। कितना? 90,000 करोड़। यदि यही अमाउंट पूरे भारत के रेलवे के पीछे लगा दी जाए तो पूरे भारत के एक एक जिले के एक एक तहसील में पूरा रेलवे का नेटवर्क अपग्रेड हो जाएगा, वो मॉडर्न हो जाएगा। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर पानी की किल्लत है। क्या तुम्हारा साला 56 इंच का सीना, पीने का पानी इस मुल्क की जनता को तुम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तुम्हारे 56 इंच के सीने को क्या करेंगे लोग, चाके दे। इस मुल्क की जनता को तुम पीने का पानी नसीब नहीं कर पाए। भारत माता की जय का नारा लगाते हो, लेकिन हजारों लाखों की तादाद में इस मुल्क में हमारी भारत की माताएं आज भी खुले में शौच के लिए मजबूर है, लेकिन उस बात का आपको कभी कोई परवाह नहीं। भीमा कोरेगांव के वक्त हम लोगों ने देखा, जो लोग दलितों पर हिंसा किए, हमले किए, भीड़े वगैरह, उनको आज खुला छोड़ दिया है, और जो दलित, जो अंबेडकराइट संघर्ष किए, उनको नक्सलवादी बोल के आपने जेल में डाल दिया है। आज साथियों, हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है। अलग अलग मुद्दों पर हमारा ध्यान भटकाया जाता है, कभी 370, कभी मंदिर मस्जिद, कभी हिंदू मुसलमान, कभी इमरान खान, कभी पाकिस्तान। मोदी जी इतना कह दीजिए एक बार, यदि आपका जमीर जिंदा है तो, इस मुल्क की 60-70 करोड़ जनता को दो वक्त का रोटी कब मिलेगा, इतना जवाब दे दीजिए। न पीने का पानी आप पिला पा रहे हो, न रोटी नसीब करवा रहे हो, न किसानों की आय दुगनी तो छोड़ो, उनकी आत्महत्या रोक नहीं पा रहे हो, रोजगार नहीं दे पा रहे हो, तो तुम्हारे गुजरात मॉडल में से हमको क्या मिला। इस मुल्क की 130 करोड़ जनता को समझना है। मोदी और अमित शाह, आरएसएस और मोहन भागवत झूठ, फरेब और धोखाधड़ी के अलावा इस मुल्क को कभी कुछ नहीं दे पाएंगे। साथियों, और भी साथियों को बोलना है, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करके आपको जाते हैं, ये लोग पूंजीपति धन्ना सेठों के दलाल है। कीमत अच्छी मिले तो ये लोग अपने बाप को भी बाजार में बेच सकते हैं। ये वो लोग हैं, उनको पहचानो। हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये, हमारे मुल्क की जनता बहुत गरीब है, किसान है, मजदूर है, मेहनतकश हमारी आवाम है। चुनाव के एक दिन पहले गुलाबी रंग का 2,000 रुपये का नोट लेकर ये चोर आएंगे, यहां पर आएंगे, तब उनको कहना कि बेरोजगार है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़े है, अति पिछड़े है, मजदूर है, इस मुल्क की आम जनता है, लेकिन तुम्हारे 2,000 रुपये के एक नोट के खातिर हमारे आत्मसम्मान को दांव पर नहीं रखेंगे। और आखिर में इतना कहेंगे कि जितेंद्र अवार साहब के साथ आने वाले दिनों में हमको बहुत लड़ाइयां लड़नी है, बहुत संघर्ष करना है, और इसीलिए हम उनके साथ आज मंच साझा कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को अपील है, जीत तो वो जा चुके हैं, आपके लोगों का प्यार और समर्थन हम देख लिए, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेक मार
मार्जिन के साथ वो जीते तो नागपुर के मुंह पर नागपुर की नारंगियों के छिलके उड़ जाएंगे। जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद।